क्या लग रहा है, 19 में महागठबंधन एनडीए को रोक पाएगा? मैं समझता हूँ कि आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो एनडीए की सरकार चल रही है, 4 साल पूर्ण हो गए हैं और 4 साल में इतने सारे कार्यों की उपलब्धि है। अगर हम गिनने जाए तो बहुत लंबा हमें समय चाहिए, मगर मैं मोटे तौर पर कहूँ तो ये सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धियाँ हैं, अलग अलग क्षेत्र में है, और वो उपलब्धियों का फोकस है, गरीबों का फोकस है, किसानों के प्रति फोकस है, महिलाओं के प्रति है, गांव के प्रति है, युवा दलित उनके प्रति फोकस है। और पूरे देश में लोकप्रियता के बारे में अगर देखें तो 2014 में भी नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता, आज भी वही लोकप्रियता बरकरार है। हमारे पास एक ऐसा नेतृत्व है जिस नेतृत्व के बल पर और उनके सुशासन के बल पर हम 2019 के चुनाव में जाने वाले हैं, लोगों तक जाएगा। और गठबंधन हो ना हो उनका विषय है, क्योंकि विरोधाभासी मानसिकता वाले लोग, आप बताओ कि ममता बनर्जी और लेफ्ट वाले बंगाल में कैसे एक रहेंगे, तो वो उनका विषय, उस पर मैं टिप्पणी करना नहीं चाहता हूँ। मगर मैं एक बात आपको भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि 2019 में फिर से भाजपा की एनडीए की पूरी बहुमत के साथ और नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में वो प्रधानमंत्री दूसरी बार बने गए, उनके साथ हमारा विजय होने वाला है, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। सर, हमारा अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह का एक और विवादित बयान आया है कि हिंदू आतंकवाद को मुद्दा मुद्दा बनाया उन्होंने। मैं समझता हूँ ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है, और कांग्रेस और दिग्विजय सिंह की ऐसे बयान देने पर मुझे लगता है कि ऐसे बेजवाबदार बयान है, और ऐसे बयान उनको बचना चाहिए। हिंदू आतंकवाद होता नहीं है, संघ देखिए तो देशभक्ति से जुड़ा हुआ एक ऑर्गेनाइजेशन है और संघ का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है देश के निर्माण के लिए, तो मैं इसकी निंदा करता हूँ। और मैं उनको कहना चाहता हूँ कि ऐसी बात दोबारा ना करनी चाहिए, उनको देश की माफ़ी मांगनी चाहिए। वहीं आज आरएसएस की तरफ से जो इफ्तार पार्टी रखा गया, इसमें भी सवाल खड़ा किए कांग्रेस ने। अरे, आरएसएस सिर्फ हिंदुओं के लिए, पूरे भारतीयों के लिए कार्य कर रहा है, अगर वो किया है तो क्या गलत है? मुझे लगता है कि कांग्रेस के लोग बौखला गए हैं, उनको पता चल गया है कि उनका पराजय निश्चित है, और इस प्रकार से वो लोग बयान दे रहे हैं।